Hello guys, I'm your Max computer teacher, Mr. Manoj sir, and this is your book, Computer World 3. तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ाने जा रहा हूँ. यह है फॉर्मूला फंक्शन एंड मोर इन एक्सेल्स. तो बेसिकली इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि फॉर्मूले क्या होते हैं, फंक्शन क्या है और हमारे एक्सेल में क्या क्या चीजें हैं. तो ये आप देख सकते हैं इस तरफ. ठीक है, तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं इसमें. तो पहले हेडिंग है रिकॉल डाटा फॉर्मेटिंग इन एमएस एक्सेल. सो रिकॉल डाटा, हमें अपनी जो डाटा होता है उसको किस तरीके से वापस डालना है और निकालना है और उसे किस तरह से यूज करना है, इसी के बारे में हमारा. मोस्ट ऑफ द फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आर कंटेनिंग इन होम टैब. ज्यादातर ऑप्शन जो होते हैं वो होम टैब पर ही होते हैं. तो टू फॉर्मेट डाटा आइटम यू नीड टू सिलेक्ट एंड अप्लाई द रिक्वायर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम द होम टैब. तो इसीलिए हम जितने भी डाटा का यूज करते हैं वो अपने होम टैब से ही यूज करते हैं. सेल एंड सेल एड्रेस. सबसे पहले सेल क्या होती है, सेल एड्रेस क्या होते हैं. तो हमारे पास जो फॉर्मेट है वो इस तरह का है. इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास होती है सेल रेंज और यहां पर होता है एड्रेस. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास सेल, जैसे कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, इस तरह से करके लिखे होते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. और जो सेकंड टाइप होता है उसमें होता है हमारा एड्रेस. तो ये है इसमें सेल एंड सेल एड्रेस. तो सेल एड्रेस क्या होता है, ए सेल एड्रेस. सबसे पहले देखेंगे सेल क्या होता है. अ सेल एज यू नो इन अ रेक्टेंगुलर एरिया. जो सेल होता है वो रेक्टेंगल का एक एरिया होता है, जैसे रेक्टेंगल हो गया. ठीक है, ऑन अ वर्कशीट फॉर्मेट बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम. और इसमें हमारे पास रो और कॉलम होती है. इस पूरे को बोलते हैं रो और ये पूरा सेट हो गया हमारे पास कॉलम्स का, रो एंड कॉलम्स. ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेल. पर्टिकुलर एक जो रेक्टेंगुलर शीट होती है हमारे पास, जो फॉर्मेट होता है उसमें जो रेक्टेंगल बना होता है इसको हम बोलते हैं सेल. ये पूरी जो मिलती है ना बोलते हैं कॉलम और ये पूरा हो गया हमारे पास रो. और ये हमारे पास बहुत सारे होते हैं इस सबसे, सेल वन, सेल टू, सेल थ्री, इनको हम नाम भी दे सकते हैं ए बी सी डी इस तरीके से करके. ठीक है, उसके बाद अगली हेडिंग है सेल एड्रेस. सेल एड्रेस क्या है. अ सेल एड्रेस इज आइडेंटिफिकली द लोकेशन ऑफ द सेल इन द वर्कशीट. अगर हमें इस वर्कशीट में कोई भी डाटा डालना है या किसी भी चीज को नोट करना है तो उसका जो पर्टिकुलर एरिया होगा एड्रेस उसको हम बोलते हैं सेल एड्रेस. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग जो आपके पास है सेल रेंज. अब सेल की रेंज क्या होती है. असल सेल रेंज एज यू नो इन अ रेक्टेंगुलर रीजन ऑन द वर्कशीट कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर सेल. एक सेल रीजन जो तुम्हारे पास आपके पास होता है वो ये है कि वर्कशीट के अंदर जितना भी वर्कशीट है उसके अंदर जो एरिया कंटेन करता है उसे हम सेल रेंज बोलते हैं. जैसे हमारे पास ये हो गया 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, ये होता हमारे पास सेल रेंज. देन अगली हेडिंग आते हैं फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल. सेल फॉर्मूला आर द एक्सप्रेशन दैट आर यूज्ड टू डूइंग कैलकुलेशन ऑन द वर्कशीट. तो सेल फॉर्मूला क्या है. सेल फॉर्मूले का मतलब होता है कि जो हम कैलकुलेशन करते हैं अपने एक्सेल में, हमें प्लस सम करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, डिविडेशन करना है, ये क्या हमें कोई परसेंटेज फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं फॉर्मूला उन्हें हम कहते हैं सेल फॉर्मूला. ठीक है, इसके लिए हम कुछ साइन यूज करते हैं. जैसे हमारे पास ये हो गया इज इक्वल टू का साइन, इज इक्वल टू हो गया,
या किसी सेल को नोटिस नोटिस करना है, जैसे A1 एंड B1 इस तरीके से करके, कोई वेरिएबल फॉर्मेट यूज करना है मैथमेटिकली तो प्लस हो गया एंड स्टार हो गया हमारे पास, देन कोई भी नंबर हो गया हमारे पास 6, 7, 8 एक्सेट्रा इस तरह से करके। तो सेल फॉर्मूले में हम लोग यूज करते हैं सिंबल्स का, हम यूज करते हैं अपने अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, मैथमेटिकली ऑप्शन का, प्लस मल्टीप्लाई एंड नंबर जो होते हैं हमारे पास 6, 7, 8 वो कुछ भी हो सकता है। जैसे हमें किसी चीज को एक चीज को नोटेशन करना है, इसमें फिल करना है, जैसे हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू A1 प्लस B1 मल्टीप्लाई 6। यहाँ जो स्टार है वो हमारी मल्टीप्लाई के साइन को शो करता है, तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। A1 कोई एक सेल है हमारे पास, जैसे सेल का नाम हो गया A1 और इस वाली सेल का नाम हो गया B1 इस तरीके से। तो ये हमारी क्या करेगा, ये हमारे रेंज की मल्टीप्लाई करेगा और उनको 6 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देगा। देन उसके बाद आता है आपके पास अर्थमेटिक ऑप्शन इन MS Excel। अर्थमेटिक ऑप्शन वो होते हैं जो मैथमेटिकली यूज होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंट हो गया और पैंथेसिस हो गए हमारे। तो अगर हमें ऐड करना है तो सिंपली अगर हमें किसी चीज को ऐड करना है, अगर हमें सिंपली किसी चीज को ऐड करना है तो हम लोग यूज करेंगे, जैसे हम प्लस का साइन यूज करते हैं, A1 प्लस A2 लिख सकते हैं, ये हमारे एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए A1 माइनस A2, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी है हमें A1 मल्टीप्लाई A2, ये हमारे प्रोडक्ट के लिए हो गए, ठीक है। ऐसे हम डिवीजन के लिए यूज करेंगे, तो ये आपको चार्ट में दिया हुआ है, यहाँ पर एक चार्ट है ये वाला, इस चार्ट में आपको सारी चीजें दी हुई है। ऑपरेट ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर, जो हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर बेसिकली ऐसे सिंबल होते हैं जिनका अलग तो कोई मीनिंग होता नहीं है, लेकिन अगर वो किसी वेरिएबल के साथ में लगा दिए जाते हैं या किसी फॉर्म में लगा दिए जाते हैं तो पावर बन जाते हैं, डिवाइडेशन का सिंबल, जैसे हमारे पास ये हो गया, ये डिवाइड का साइन है, ओके, और ये हमारे पास हो गया पावर का साइन। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर देखें, जैसे पैरेंथेसिस हो गया हमारे पास ब्रैकेट, दूसरा है एक्सपोनेंशियल के लिए हम एरे का यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम प्रोडक्ट करने के लिए हम स्टार का यूज करेंगे, डिवाइड के लिए हम सिंबल का यूज करेंगे। तो ये है हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं। अब फॉर्मूले को हम लोग कैसे यूज करते हैं, जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं उसको किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, तो यह यूजिंग द फॉर्मूला। अभी मुझे फॉर्मूला यूज करना है, मुझे मैं एक टेबल बनाता हूं उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाता हूं। अगर हमारे पास कोई टेबल है यहां पर एक्सेल में, ये हमने एक टेबल ड्रॉ करी, इसका नाम है A1, इसका नाम B1, ठीक है। यहां पर 6 है और यहां 7 लिखा हुआ, यहां हमने कोई टेबल ली C1, अभी हमें प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे इज इक्वल टू A1 प्लस B1। तो जब हम लोग इस तरीके से लिख देंगे तो यहां पर इन दोनों का सम आ जाएगा ऊपर, 6 प्लस 7 कितना 13। अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई स्टार B1, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 6, 7 जा 42। और इसी तरीके से हम यहां पर भी कोई नंबर लिख लेते हैं 8, 9, 3, 4, 5, 3 इस तरीके से, और यहां पर हम फॉर्मूले लिखते चले जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले बनाते हैं अपने कि हमें क्या करना है। अब जैसे हमें परसेंटेज निकालना है, इन दोनों का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए क्या काम करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे इनटू 100 और साइन परसेंटेज का,
तो पहले फॉर्मूला बना लो, ए वन अपॉन बी वन इंटू 100 और साइन इंटू 100 ही कर लो, तो यहां पर आपकी आ जाएगी परसेंटेज। ये एडिशन के लिए हो गया, ये प्रोडक्ट के लिए हो गया, ये परसेंटेज के लिए हो गया। इसमें अलग अलग भी होते हैं कुछ फॉर्मूले, जैसे हो गया हमें सम करना है तो सम इक्वल लिखेंगे यहां पर इक्वल्स टू, फिर लिखेंगे सम, फिर वैल्यूज लेंगे, जैसे हमें ए वन की वैल्यूज लेनी प्लस बी वन की वैल्यूज, ठीक है। वैसे यहां पे एरोगस वो होता है आपके पास और रन लगे होते हैं तो हम उनका भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपके पास फॉर्मूला है, ये आपके सारे फॉर्मूले आपको बुक में दिए हुए हैं तो आप इनका यूज करेंगे फॉर्मूले का, ठीक है। इसी में आपके आते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिंग और दूसरा आते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिंग। रिलेटिव रिफ्रैक्टिंग में हम लोग सिंपल वैल्यूज का यूज करते हैं, जैसे b1, b2, b3, b4 इस तरह से कर गया, a1, a2। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन में हम लोग पर्टिकुलर किसी सिंबल का यूज करते हैं, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, और आपका एंड का साइन हो गया, ये हमारे अलग अलग वैल्यूज पर काम करते हैं। तो इसमें जो एक्टिविटीज दे रखी है ये आप लोग अपनी पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, तो ये वाली और एक ये वाली, और यहां से ये दोनों पिक्चर भी आपको ड्रॉ करनी है, नीट एंड क्लीन पिक्चर ड्रॉ करनी है और पेज नंबर 16 तक आपको पढ़ना है। अभी आज इतना ही, थैंक यू।